मुंबई उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, कांग्रेस उम्मीदवार को दी बड़े अंतर से मात, बीजेपी की प्रतिभा गिरकर के सर, जीत का सहरा, जनता का मिला पूरा जन समर्थन। गुजरात चुनाव के नतीजों को जानने के लिए भले ही बीजेपी को अभी 18 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़े, लेकिन बीजेपी के लिए मुंबई से एक अच्छी खबर है। मुंबई के वार्ड नंबर 21 में हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी प्रतिभा गिरकर ने जीत हासिल कर ली है। प्रतिभा गिरकर ने कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मधाले को 7607 मतों के भारी अंतर से हराया और इसी के साथ बीएमसी में बीजेपी नगर सेवकों की संख्या का आंकड़ा 83 पर पहुंच गया। सर्वप्रथम मेरे जो आदर्श रहे हैं हमेशा ही महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको सबसे पहले नमन करके फिर अपने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, प्रदेश के अध्यक्ष रावसाहेब दानवे जी, मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, हमारे जिला के सारे पदाधिकारी मंडल वाले और जो भी स्थानिक हमारे कार्यकर्ता वगैरह है, इन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे कार्य सम्राट खासदार गोपाल शेट्टी जी, उनका विशेष आभार क्योंकि हर कदम पे वो और हमारे आमदार योगेश सागर जी, इन दोनों ने बहुत सहकार्य किया हुआ है, तो उनके एक विशेष धन्यवाद मानती हूँ। दूसरा हमारे सारे कार्यकर्ता है और मम्मी का यानी मेरी सासू माँ का आशीर्वाद है जिनकी मेहनत की वजह से आज ये सफलता संपन्न हुई है, तो ये सफलता मैं उन्हें समर्पित करना चाहूँगी। पूर्व उप महापौर शैलजा गिरकर के निधन के बाद हुए इस उपचुनाव में बीजेपी ने उनकी बहू प्रतिभा गिरकर को चुनाव में उतारा था और ऐसे में उन्हें सहानुभूति लहर का भी बड़ा फायदा मिला। वहीं शिवसेना और मनसे के चुनावी मैदान में न होने की वजह से जनता ने उनके सर जीत का सहरा बांध दिया। अब प्रतिभा गिरकर भी जनता के इस आशीर्वाद का बदला उन्हें विकास के रूप में देने का वादा कर रही है। पहले मैं पहली बार आई हूँ लेकिन मेरे सासू माँ के छत्र छाया में थी, तो काम कैसे चलता है क्या चलता है उसका थोड़ा बहुत तो अनुभव ले चुकी हूँ, और जो जो यानी उनको कठिनाइयाँ आती है तो उनका निवारण करने का ज़रूर कोशिश करूँगी। बाकी जो नागरिक सुविधा है और एक कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी जो होती है वो पूरी करने की पूरा प्रयास करूँगी। इस जीत के साथ ही बीजेपी की ताकत अब बीएमसी में और भी बढ़ गई है, जिसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। न्यूज़ स्टॉक लाइव के लिए जय शाह की रिपोर्ट।